निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री सरिया और सीमेंट के दाम अब कम होने लगे हैं। कोयले के कमी के चलते सरिया और सीमेंट के दाम जो आसमान पर पहुंच गए थे, वे अब डिमांड न होने के कारण लगातार कम हो रहे हैं। सरिया की कीमत जहां लगभग 75 से 80,000 रुपए टन से कम होकर 65 से 70,000 टन तक पहुंच गई, तो वहीं सीमेंट के दाम भी 350 रुपए से कम होकर लगभग 300 रुपए तक पहुंच गए। केंद्र सरकार ने लोहे और स्टील के कच्चे माल और बिचौलियों पर उनकी कीमतें कम करने के लिए सीमा शुल्क को भी कम किया है। साथ ही स्टील के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क को कम किया जाएगा, जिसका फायदा आम आदमी को सीधे तौर पर मिलने वाला है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ट्वीट में सीमेंट की कीमत कम करने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक का सहारा लिए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमेंट की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए मानक अमल में लाए जा रहे हैं, इससे कीमतों में कमी आने की संभावना भी उन्होंने जताई है। मई के मुकाबले बालू, ईंट और गिट्टी में 5,000 से 2,500 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। कारोबारियों की माने तो आने वाले दिनों में और भी इजाफा हो सकता है।